आप देख रहे हैं मेरा चैनल उस्मा शेख और आज हम जा रहे हैं हसन शाह के मजार पे। इस गर्मी में तत्ती दोपहर में मेरे भाई ने मुझे फोन करके उठाया और बोला चलो चलो मैं जा रहा हूँ मेरे साथ, चलो तुम भी अपना व्लॉग बनाना। और हम अब जा रहे हैं और ये झंडा भी मेरे को पकड़ा दी है। बाकी व्लॉग वहां जाके शूट करूंगी, आपको रास्ते में दिखाऊंगी कितना ट्रैफिक है। दिस इज ब्यूटी ऑफ कराची, ट्रैफिक जाम कुछ भी हो मंडे टू संडे हर रोज कराची में होता है इसी तरह ट्रैफिक जाम। अब क्योंकि ऑफिस ऑफ हो गए, 5 बज गए, सब लोग घर जा रहे हैं तो इसी तरह ट्रैफिक जाम मिलेगा। कराची में अगर ट्रैवल करना है तो रात को निकलो 9 बजे के बाद, जो कि मैं करती हूँ हमेशा ही। ये देखे जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ ट्रैफिक जाम है और कुछ भी नहीं। 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद मेरा भाई मुझे पूछ रहा है कहीं मैं आगे तो नहीं निकल आया, ऐसा मैं तेरे को मार डालूंगी अगर हम आगे निकल आए। अब तो बाइक पे बैठे बैठे मेरा कंज्यूमर बन गया है। नहीं आगे नहीं है, वो है वो वाला गड्ढा, वो वाला बोर्ड कार से पहुंच गए हम। ले भाई अभी अंदर जाएंगे। ओके ये हम पोर्ट कासिम पहुंच गए, ये रहा बोर्ड और हम वो जो दरख्त आपको दिख रहे हैं ना हरे भरे ग्रीन ग्रीन वहां जाएंगे। ये देखे दिस इज पोर्ट कासिम। इस टाइम हवा से हमारी बुरी हालत हो गई है, ऐसा लग रहा है मैं एक बाइक से उड़ ही जाऊंगी। मुंह तो अभी दिखाने के काबिल भी नहीं मेरा बचा, जितना का मैंने मेकअप किया था सब खराब हो गया, मिट्टी जम गई मुंह के ऊपर। पर कोई नहीं, ये देखो नई नई गाड़ियां, सानू भी दे दियो एक गड्डी। कोई बात नहीं मिलेगी एक दिन मिलेगी। ये है वो चरंगी जहाँ से पार करेंगे हम। ये बाइक वालों के काम देखे, इतनी सी जगह में भी घुस जाते हैं, यही तो खूबसूरती है बाइक की, कहीं भी घुस जाओ। अब ये देखो रास्ता नहीं है, लेकिन मेरा भाई जाएगा यही से, नौ रास्ता वो कोई बात नहीं हम भी जा रहे हैं, कोशिश करते हैं इसी रास्ते में से रास्ता मिल गया हमको। और हम गाड़ियों को चीरते हुए, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को चीरते हुए जा रहे हैं अपना, कहाँ जा रहे हैं हसन चाहिए देखो पोर्ट का सर। रोड देखो साफ सुथरे रोड है, बता रहा है बहुत वीडियो हो गई इससे पहले कि मेरे पास कोई मेहमान आ जाए। मुझे बोले बाजी अपना मोबाइल तो दे दे, हमारी इमानत है आपके पास, तो हम इस फोन को बैग में रखते हैं और वहां पहुंच के फोन निकालेंगे। आई जान यहाँ ट्रैफिक नहीं है, यहाँ है बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर ट्रक, सामने से आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े ट्रक। और ये मैंने सर्च कर लिया, ये है के इलेक्ट्रिक पिन का सेंटर जहाँ बनती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कहते हैं हम प्यार से बत्ती, बत्ती आई बत्ती गई, कि बिजली का आना जान तो लगा ही रहता है ना हमारी ज़िंदगी में, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं। एवरीवन फाइनली हम पहुंच गए हैं मजार के बहुत ज्यादा करीब। अभी मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ और ये सामने खूबसूरत नजारा देखिए, अब सनसेट हो रहा है इस वक्त
सूरज का रूप हो रहा है और वो सामने खुला समंदर, खूबसूरत तरीन, और ये रहा हमारा बाजार। ऊपर हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए लोग इस टाइम वापस जा रहे हैं और हम अभी पहुंचे हैं वेरी लेट, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी मैं आपको पूरा बाजार दिखाती हूँ। कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो कोई नहीं, कुत्ते भी आए हुए घूमने फिरने। यहाँ पर तो हम नहा भी सकते हैं। हाँ, यहाँ नहा भी सकते हैं। ये देखिए ये खूबसूरत बाजार है, अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली एवरीवन, इस टाइम हम असरशाह के बाजार में पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा रास्ता था, वीरान रास्ता था, रास्ते में पता नहीं क्या क्या नहीं आया, ट्रक आए, रोड खराब आए, वीराना आया, एक जगह तो मुझे डर भी लगा कि हम रास्ता ही भूल के पता नहीं कहाँ पहुँच गए, लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। अब मैंने फोन की बटन बता दे दिया, बाजार का है ना, अभी चले ऊपर आपको मैं दिखाती हूँ। ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ चुके हैं मज़ार के बिल्कुल करीब, मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ। ये फाइनली हम मज़ार के ऊपर पहुँच चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत मज़ार था, छोटा सा, और यहाँ पे ड्रामास की शूट भी हो सकती है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी कि भाई आप शूट नहीं कर सकते। और अभी हम जा रहे हैं अंदर और जाके पढ़ेंगे सूरत फातिहा, क्योंकि मज़ार पे दुआ वगैरह तो नहीं मांगते हम, सिर्फ फातिहा पढ़ते हैं। हम सूरत फातिहा पढ़ने लगे, आप लोग भी पढ़ लें। ये ऐसी जगह है जो अभी तक बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर की है, मतलब मज़ार है, मज़ार के सामने खुला समंदर, बिल्कुल साफ पानी, मतलब बहुत सकून की जगह है, बहुत सकून की जगह है। बहुत यहाँ पे अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छी वाइब थी इस जगह की। ये देखें साफ सुथरा समंदर बिल्कुल सामने, और यहाँ पे इतना रश भी नहीं था, इतने लोग भी नहीं थे, कोई मांगने वाला नहीं था, तंग करने वाला नहीं था, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा मज़ा आया। तो अब हमने सूरत फातिहा पढ़ लिया है और पूरा मज़ार भी आपको दिखा दिया है। ये देखें सामने बिल्कुल समुंदर है, खूबसूरत तरीन, मतलब पाओ यहाँ की वाइब भी कुछ और है ना, बहुत बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ। सो जिस चीज़ से मैं चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लें जल्दी से, और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। ओके गाइस, टेक केयर। मुझे हमेशा से ना इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है। ये देखिए मज़ार, और मज़ार के सामने खुला समंदर, समंदर में कश्ती, आसमान में चांद, रेत, मतलब खूबसूरती देखिए आप इस जगह की। यहाँ पे इतनी खामोशी थी, इतना सकून था कि मेरा भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था, मैं भी चुपचाप बस यहाँ पे टहल रही थी और एक साइड पे कभी जाके खड़ी हो जाती थी। और ये बाहर निकल के हमने पहन ली अपनी चप्पलें और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि अंधेरा हो गया और यहाँ पे मगरिब के बाद ठहरना कुछ ज़्यादा सेफ नहीं है। तो आप लोग भी आएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ, ग्रुप में आएँ और यहाँ पे आके एंजॉय करें। बाज़ार पे आना चाहते हैं आएँ, नहीं तो बाहर समुंदर है बहुत ही खूबसूरत, वहाँ जाएं, बिल्कुल साफ़ पानी है, एक अच्छी वाइब है यहाँ की, सकून वाली वाइब है, मतलब शहर के शोर वगैरह से दूर, यह सकून है। सो एवरीवन, ये था हमारा बाज़ार का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। जिन जिनको अच्छा लगा और नहीं भी लगा, सब लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और ये देखें अच्छा लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं घर, फिर आपको मिलेंगे न्यू ब्लॉग पे, बाय। ये कुछ खाया पिया नहीं है, अभी वापसी भी हम खाना खाएंगे।
आपको भी मैं ऐड करूँगी। और ये सबसे खूबसूरत जगह थी, मतलब वहाँ तो गाना भी शूट हो सकता है किसी मूवी वगैरह का, बहुत अच्छा था ये। हमें टाइम नहीं मिला, एक हम यहाँ खड़े होकर टिकटॉक के वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरे भैया की बात है।